गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास। नाउ हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11th। ओके बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई और कैसे कैसे हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पूरे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को डिवाइड किया या क्लासिफाइड किया। ओके बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स का डिस्कवरी होती गई, उनकी नंबर इंक्रीज होते गए, तो प्रॉब्लम आ गई कि हम उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करें और कैसे उन्हें कैटेगराइज करें। नाउ इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे जो टैक्सोनॉमिस्ट थे, टैक्सोनॉमिस्ट वो होते हैं जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को करते हैं। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिक्स फॉर क्लासिफिकेशन। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इंटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. Aristotle सबसे पहले टैक्सोनॉमिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले प्लांट्स को उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स के आधार पर ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया, और एनिमल्स को उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक रेड ब्लड, जिनकी बॉडी में रेड ब्लड होते हैं उनको अलग कैटेगरी में डाला, और ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में रेड ब्लड नहीं होता था उनको उन्होंने एक अलग कैटेगरी में डाला। मतलब सबसे पहला अगर हम देखें तो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया था। नाउ नेक्स्ट लिनियस। लिनियस सेकेंड टैक्सोनॉमिस्ट है और हम इन्हें बहुत, जो आज भी अगर जाने जाते हैं क्लासिफिकेशन की फील्ड में, तो सबसे ज़्यादा जो फेमस टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो लिनियस ही हैं, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इट मीन्स उन्होंने पूरे ऑर्गेनिजम्स वर्ल्ड किंगडम को, किंगडम मतलब क्या होता है बच्चों, जगत है ना, उन्होंने पूरे किंगडम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट उन्होंने बनाया प्लांटी एंड सेकेंड पार्ट इज एनिमेलिया। नाउ यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि प्लांटी पार्ट्स में सारे प्लांट्स रखे गए और एनिमल वाले पार्ट्स में सारे एनिमल्स को पुटअप किया गया। अब हम देखेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आर एच विटेकर इन 1969 एन अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट divide all the organism into five kingdom in order to depict phylogenetic relationship among them। यहाँ पर हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे आर एच विटेकर सर ने दिया था। ये एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे और इन्होंने कुछ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर को बेस करते हुए, बेस मानते हुए उन्होंने किंगडम्स को फाइव कैटेगरी में या फाइव किंगडम में डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांटी, फोर्थ फंगी, एट लास्ट एनिमेलिया। तो यहाँ पर हमने देखा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक करके, वन बाय वन, हम जितने भी किंगडम्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट इज मोनेरा। मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक इट मीन्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में डेवलप्ड हुए थे उनके जो सेल थी वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म्स की कैटेगरी में थे। मतलब जैसे एक सेल होती है माइक्रोस्कोपिक ऐसे, और उस सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सम ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। ओके, तो इन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नाउ दे जनरली पजेस सेल वॉल, ओके, विच कंटेन पेप्टिडोग्लाइकेन एंड पॉलीसेकेराइड्स अदर देन सेल्युलोज।
they have one envelope type of organization. Okay, now genetic material is not organized into a nucleus. DNA is nagged, it is not associated with histone proteins. Now they lack membrane bound organelles. इनकी बॉडी में न्यूक्लियस नहीं था, जेनेटिक मटेरियल फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था. ओके, और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन थी वो सिंगल लेयर्ड थी, और इनके बॉडी में जो सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ था वो पेप्टिडोग्लाइकैन एंड पॉलीसेकेराइड से हुआ था, और कुछ एनिमल्स में सेल्यूलोज से. तो इस तरीके से हम कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करेंगे इन किंगडम मोनेरा. यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं जो कि बैक्टीरियाज़ के हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज़ के बैक्टीरिया यहाँ शो है, जो आप सारे कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे और उनके डायग्राम भी बनाएंगे. नाउ सेकेंड किंगडम इज प्रोटिस्टा. इन दिस किंगडम all single-celled eukaryotes are placed, but the boundaries of these kingdom are not well defined. Okay, ये जो kingdom में animals थे वो comparatively monera kingdom के animals से developed थे. Microscopic nature इनका भी था, but इनकी cell wall और cell membrane में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया था. सच इज क्लोरोप्लास्ट इनकी बॉडी में प्रेजेंट था, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारे ऑर्गेनल्स मोनेरा में एब्सेंट थे, बट इन प्रोटिस्टा ये प्रेजेंट थे.